वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जो कहानी हिंदी में जानने वाले हैं वो किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि वो एक हॉलीवुड टेलीविजन सीरीज की कहानी है। यस फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स जो कि एक बहुत ही पॉपुलर सिटकॉम था और 10 सीजन्स तक चला था, उसके एक एपिसोड के बारे में। तो आज मैंने फ्रेंड्स के जिस एपिसोड के ऊपर ये वीडियो बनाया है वो पर्सनली मेरा फेवरेट है। अगर आपको फ्रेंड्स का कोई दूसरा एपिसोड का कहानी जानना हो हिंदी में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज हम फ्रेंड्स के जिस एपिसोड की बात करने वाले हैं वो इसके सीजन 8 का एपिसोड नंबर 9 था, द वन विद द रूमर। और मैंने ये एपिसोड इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें एक सेलिब्रिटी गेस्ट आए थे। इस एपिसोड में जो सेलिब्रिटी गेस्ट आए थे वो ब्रैड पिट थे, और इसीलिए मैंने इस एपिसोड को सेलेक्ट किया है कहानी सुनाने के लिए। और फ्रेंड्स, इस एपिसोड की एक खास बात थी कि ब्रैड पिट काफ़ी सेलिब्रिटीज़ में से एक थे जो फ्रेंड्स में अपीयर हुए थे, लेकिन बाकी सारे सेलिब्रिटी जो अपीयर हुए थे वो इसके मल्टीपल एपिसोड्स में अपीयर हुए थे। मतलब उन्होंने कई सारे एपिसोड किए थे, लेकिन ब्रैड पिट अकेले ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट थे जो सिर्फ एक ही एपिसोड में अपीयर हुए थे। और जब वो इस एपिसोड में आए थे तो फनी बात ये थी कि वो और जेनिफर एनिस्टन रियल लाइफ में मैरिड थे, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ थे, लेकिन इस एपिसोड में उन्होंने स्कूल के एक ऐसे दोस्तों का रोल किया था जिन दोनों के बीच में ज़्यादा बनती नहीं थी। मतलब वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, तो ये देखने में काफ़ी फनी लगता है। तो चलिए इसकी स्टोरी जान लेते हैं। तो इस एपिसोड में क्या होता है कि थैंक्सगिविंग का दिन होता है और सिक्स फ्रेंड्स जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, यानी कि रेचल, फीबी, मोनिका, जोई, रॉस और चैंडलर, ये सब साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मोनिका ने अपने एक हाई स्कूल के दोस्त विल कॉलबर्ट को भी इन्वाइट किया है। विल कॉलबर्ट रॉस की क्लास में पढ़ता था, लेकिन रेचल को अभी बिल्कुल याद नहीं है कि विल कॉलबर्ट आखिर कौन था। और मोनिका ये भी बताती है कि विल जब स्कूल में था तो वो काफ़ी मोटा लड़का था, लेकिन अब वो काफ़ी स्लिम एंड हैंडसम हो चुका है। और तब एंट्री होती है विल कॉलबर्ट यानी कि ब्रैड पिट की, और विल बहुत खुश है इस टाइम अपनी लाइफ से कि वो अपना बहुत ज़्यादा वेट लूज कर चुके हैं और वो इतने स्लिम हो चुके हैं। और वो मोनिका से मिलते हैं तो मोनिका और विल दोनों बहुत ही खुश होते हैं। उनके और रॉस के बीच में भी काफ़ी अच्छी दोस्ती है, और मोनिका उनको चैंडलर, फीबी और जोई से भी मिलवाती है। लेकिन जब वो रेचल को देखते हैं तो विल काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि स्कूल के ही टाइम से विल को काफ़ी हेट थी रेचल से। लेकिन रेचल को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि विल उनको देखकर इतना गुस्सा क्यों है, उनसे इतने चिढ़े हुए क्यों हैं, क्योंकि रेचल जब विल को देखती हैं तो वो उनको काफ़ी हैंडसम और बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन विल का इतना चिड़चिड़ा नेचर देखकर और उनके लिए इतना गुस्सा देखकर रेचल लास्टली उनसे पूछती हैं कि विल को उनसे प्रॉब्लम क्या है। और तब विल उनको बताते हैं कि रेचल ने उनकी लाइफ हाई स्कूल में एकदम बर्बाद कर दी थी, एकदम बेकार कर दी थी। अब क्या किया था रेचल ने ये बात तो हमें नहीं पता चलती है, लेकिन विल ये भी बताते हैं कि वो हाई स्कूल के टाइम से ही रेचल से इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने और रॉस ने एक क्लब बनाया हुआ था, और इस क्लब का नाम था द आई हेट रेचल ग्रीन क्लब। ये सब जान के रेचल बहुत शॉक होती है। रेचल मेनली इसलिए शॉक होती है कि इतने दिनों में उसे पहली बार ये पता चलता है कि रॉस भी उसको हाई स्कूल के टाइम में नफरत करता था, जबकि वो हमेशा यही सोचती है कि हाई स्कूल के टाइम से ही रॉस उसको पसंद करता था। और तब विल एक और बात बताते हैं, वो बताते हैं कि सिर्फ यही नहीं किया था, उन लोगों ने हाई स्कूल में एक रूमर भी फैला रखा था। और रूमर ये फैलाया हुआ था कि रेचल हाफ लड़की है और हाफ लड़का है, और सारे लोग उनके स्कूल में ये बात जानते थे, और उनके स्कूल में नहीं बल्कि आसपास के एरिया में भी सारे स्कूलों में ये बात फैली हुई थी। और विल को जब ये पता चलता है कि रॉस और रेचल पेरेंट्स तो बनने वाले हैं लेकिन रॉस रेचल से शादी नहीं करने वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और अब जब रॉस, रेचल और विल का इतना झगड़ा चल रहा है तो हमें एक बात और पता चलती है कि हाई स्कूल में रेचल ने रॉस के बारे में एक रूमर फैला रखा था। उसने ये रूमर फैलाया हुआ था कि रॉस का अपनी 50 ईयर्स ओल्ड लाइब्रेरियन के साथ में अफेयर था। और रॉस जान के शॉक हो जाता है कि रेचल को ये बात कैसे पता थी। तब मोनिका को भी ये बात पता चल जाती है कि ये बात जो रेचल ने रॉस के लिए फैलाई थी सच थी।
और बातों बातों में रॉस का और विल का झगड़ा रेचल से बढ़ता जाता है और एट लास्ट मोनिका उन लोगों के बीच में आके सब कुछ ठीक कराती है, सबकी सुलह कराती है। और ये एपिसोड बहुत ही फन पॉइंट पे एंड हुआ था और इस एपिसोड को देखने में इतना मजा आता है, मैंने तो इसको कई बार देखा है। आप इसको देख लीजिएगा अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा। और दूसरे वीडियो में आप फ्रेंड्स के कौन से एपिसोड की कहानी जानना चाहते हैं ये जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल वाला नोटिफिकेशन का आइकन दबा दीजिए ताकि चैनल पर आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा और मुझे ये जरूर बताइएगा कि अगले वीडियो में आपको किस मूवी या फिर किस टीवी सीरीज की कहानी आप जानना चाहते हैं ताकि उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ गुड डे।